नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज शाला। साथियों, यूपी के गाजियाबाद में डाशना के मंदिर में महंत हैं यति नरसिंहानंद, वही जो कुछ दिन पहले महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करने की वजह से सोशल मीडिया पर लोगों के गुस्से का निशाना बने थे। बाद में उन्होंने अपने बयान पर माफ़ी भी मांगी थी। रविवार 10 अक्टूबर को उनका एक और वीडियो वायरल हुआ, इसमें वो एक बच्चे को पुलिस को सौंपते नजर आ रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि ये लड़का बड़े हमले की तैयारी के लिए रेकी करने आया था। हालांकि बच्चे ने वहां आने की कुछ और ही वजह बताई। स्थानीय पुलिस की जांच में भी नरसिंहानंद के दावों की पोल खुल गई। नरसिंहानंद जिस बच्चे को पुलिस को सौंपा उसका नाम अनस सैफी है। नरसिंहानंद इस बच्चे के मंदिर में घुसने को अपनी हत्या का प्रयास बता रहे हैं, ट्रेंड कातिल करार दे रहे हैं। ट्विटर पर एक यूजर ने उनके बयान वाला वीडियो ट्वीट किया, इसमें नरसिंहानंद कह रहे हैं, ये रहा वो वीडियो, आप ही सुन लीजिए। ये मुसलमान लड़का है, जिस समय मैं यज्ञ से उठाऊं रेकी करने के लिए यहाँ आया है, हमने तो खैर पुलिस वालों को दे दिया, कोई थप्पड़ वप्पड़ भी मंदिर में किसी ने इसको नहीं मारा है, हमने इसे पुलिस वालों को दे दिया। लेकिन मैं यहाँ के SSP से, SPR साहब से, यहाँ के जितने भी पुलिस अधिकारी, उन्हें बताना चाहता हूँ, ये हमले की तैयारी है, ये बड़े हमले की तैयारी है, इसे आप हल्के में मत लीजिए। कोई मुसलमान, सबको पता है यहाँ इतने बड़े बड़े कांड हुए हैं, फिर भी ये यहाँ आया है, केवल इसलिए आया कि ये रेकी है और हमले की तैयारी है। आप हमारी बात मानिए चाहे मत मानिए, लेकिन ये बड़ी घटना की तैयारी है। अब दरोगा जी है, इसे लेके जा रहे हैं, दरोगा जी का नाम है सुशील कुमार जी। सुशील कुमार जी को हमने इसे दे दिया है, ना एक भी थप्पड़ किसी ने इसे मारा है यहाँ पे, ना किसी ने हाथ लगाया है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, और योगी जी तक ये संदेश पहुंचना चाहिए मेरा, मैं अभी योगी जी को इस संदेश को भेज भी दूंगा, ये हमारी हत्या का प्रयास है जिसे पुलिस। साथियों, इसी बीच नरसिंहानंद इस मामले में जो दावे कर रहे हैं, गाजियाबाद पुलिस उससे अलग बात कर रही है। पुलिस ने जो आधिकारिक बयान में कहा है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो साथियों, ऐसा पहली बार नहीं है कि यति नरसिंहानंद ने किसी मुस्लिम बच्चे को इस तरह से पकड़ा है। बता दें कि ये वही मंदिर है जहां से इसी साल मार्च में पकड़े गए एक बच्चे की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में एक युवक लड़के का हाथ पकड़कर पहले उससे नाम पूछता है, नाम सुनने के बाद उसकी पिटाई शुरू कर देता है। तो साथियों, महंत नरसिंहानंद के बारे में आपका क्या कहना है, आप अपना कमेंट हमें दे सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, आप देख रहे हैं न्यूज़ शाला। धन्यवाद।